सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आमिर और रामी स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन चीज़ें जो आप रनिंग के समय अगर नहीं फॉलो करेंगे आपको इंजरीज भी हो सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो अगर वो तीन चीज़ें आप जान लेंगे तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वो क्या तीन चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है वार्म अप। असल में होता क्या है, कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग सीधे ही ग्राउंड में आके उतर के भागने लग जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज हो जाती है, नी पेन हो जाता है, तो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते। तो इसी के लिए आपको सबसे ज़रूरी है वार्म अप के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप 3 से 4 मिनट तक हल्का, जिस भी ग्राउंड में वॉक के लिए जा रहे हैं तो हल्का दौड़िए। एकदम से दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम से दौड़ते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया, आपको इंजरीज हो सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि आप आगे दौड़ नहीं पाते। 3 से 4 मिनट दौड़ने के बाद आपको हल्के हल्के अपनी बॉडी को खोलना है, यानी कि स्ट्रेचिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे बॉडी के पार्ट्स को खोल लेंगे स्ट्रेचिंग करके तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मूवमेंट सही होगा और प्रॉपर आप दौड़ पाएंगे दोस्तों। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो हमने अपने लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है वो है फुट स्टेपिंग। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम भागते तो हैं लेकिन भागते भागते हमारे पैर जो है लड़खड़ा जाते हैं, तो उसका क्या सही तरीका है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप ना इस तरीके से दौड़िए कि दौड़ने पर आपको पूरा फायदा मिले। आप लंबे कदम रखने की बजाय अगर आप तेजी से छोटे छोटे कदम भी रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप जल्दी भी नहीं थकेंगे और इससे दबाव भी आपको कम पड़ेगा आपकी कमर पर। तो ये एड़ी और आपके जो तलवे का बीच का हिस्सा है उसे आराम से जमीन पर रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं और आगे जो आपका अगला हिस्सा यानी कि आपकी जो टो है उसको आगे की तरफ धकेले। इस तरीके से भागें कि आपको जो बॉडी का जेस्चर है वो 90 डिग्री के कोण में हो, यानी कि आपके जो कोहनी और आपको जो पाँव है वो सीधा आपके बिल्कुल 90 डिग्री, आपकी पूरी बॉडी का 90 डिग्री में कोण बने, तो जिससे क्या होगा दोस्तों आप प्रॉपर भाग पाएंगे और आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सपोर्टर। अगर रनिंग कर रहे हैं आप तो सपोर्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे रनिंग के दौरान तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं, वो आप समझ सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमने क्या रखा है वो है डाइट। हर काम को करने के बाद आपको खान पान की बहुत ज़रूरत है, और संपूर्ण आहार अगर आप नहीं लेंगे तो आपको बॉडी जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। मल्टीविटामिन्स खाइए, प्रोटीन्स खाइए, और दोस्तों हमने पूरे दिन का डाइट चार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उसे डाउनलोड करके आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एमी स्पोर्ट्स।